आए हैं आरामबोल बीच पे, और नॉर्थ गोवा में काफ़ी नॉर्थ में पड़ता है, काफ़ी ऊपर की तरफ है। हम अभी वैगेटॉर में ठहरे हुए हैं और वहाँ से यहाँ आने में 40 मिनट लगे, 20 किलोमीटर लगभग वहाँ से ये पड़ा है। और बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं है, तो अगर आप प्लान कर रहे हैं आरामबोल आना तो आप वैगेटॉर तक पेट्रोल भरा लीजिए, उसके बाद आपको पेट्रोल मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मतलब पेट्रोल पंप मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आपको बॉटल में बीच बीच में छोटी छोटी शॉप्स पे बॉटल में आपको पेट्रोल मिलेगा, और वहाँ से आपको ख़रीद के पेट्रोल डालना पड़ेगा, जो आपसे लगभग 10 या 20 रुपये पर लीटर एक्स्ट्रा कॉस्ट करेंगे वो आपको। बीच काफ़ी अच्छा है, सैंड काफ़ी अच्छी है, अगर आप पानी में आना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ज़्यादा क्राउड ना हो बीच पे, आप बीच को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आरामबोल बीच परफेक्ट है उस चीज़ के लिए। मेरे पीछे आप लहरों को देख सकते हैं किस तरह से आ रही हैं, और पानी भी आपको दिख ही रहा होगा कि काफ़ी साफ़ है। अगर आप स्विमिंग एंजॉय करना चाहते हैं तो आरामबोल बीच, थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, थोड़ा सा मैं कहूँगा एफर्ट्स आपके लगेंगे यहाँ पहुँचने में, पर जब आप यहाँ आ जाएंगे और पानी में उतरेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये वर्थ था। अगर आपको पानी में जाना पसंद है तो आप आरामबोल बीच ज़रूर आएं, यहाँ की फाइन सैंड और क्लियर वाटर्स आपको बहुत पसंद आएंगे। मेरी लिस्ट में आरामबोल बीच है नंबर 3 पोजीशन पे, और उसका रीज़न यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्विमिंग के लिए अच्छा है। अगर आपको और किसी रीज़न के लिए बीच पे जाना है, जैसे चिल करने या फिर खाने पीने, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप आरामबोल बीच ना जाएं, क्योंकि उसके लिए आपको आना है बागा या कैलंगेट बीच पे, स्पेशली रात को। और ऐसा क्यों है वो आप ये नज़ारा देख के खुद ही समझ गए होंगे। बागा और कैलंगेट बीच अपनी नाइट लाइफ के लिए बहुत फेमस है मेरी माने, तो आप यहाँ दिन में आके अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि यहाँ दिन में आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा जो आपको शायद ही पसंद आए। यहाँ वाटर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, लेकिन अगर आपको उसके लिए बीच में आना है तो आप वैगेटॉर बीच जाएं, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो इस वक्त हम हैं बागा बीच पे, और बहुत सारे बीच शैक्स हैं यहाँ पे, लेफ्ट से लेके राइट तक जहाँ तक भी हमारी नजर जा रही है, यहाँ बीच पर सिर्फ शैक्स ही शैक्स हैं। बहुत ही कलरफुल लाइट्स लगी हुई है, बैठने के लिए सुंदर सुंदर चेयर्स हैं जो कि लाइट से डेकोरेटेड है और बहुत ही सुंदर है। हाँ, टेंट्स आप जैसे देख सकते हैं पीछे, टेंट्स हैं जिसके अंदर इन्होंने सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। मैं आपको एक बार पूरा व्यू दिखा देता हूँ, लेफ्ट से लेकर राइट तक आप जितनी दूर तक आपकी नज़र जाती है आपको सिर्फ बीच शैक्स दिखेंगे। आप इधर देखेंगे तो भी आपको सेम चीज़ ही लगेगी, मतलब कोई कमी नहीं है ऑप्शंस की, आपके पास 1,00,000 ऑप्शंस हैं। आप जहाँ चाहे वहाँ पे अपना बैठिए, चिल कीजिए, डिनर कीजिए, बार एंड रेस्टोरेंट हैं सारे यहाँ पे ही। अगर आप ड्रिंक्स लेना चाहें तो आप ड्रिंक्स ले सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जगह कितनी हैपनिंग है, सब लोग यहाँ बैठ के चिल कर रहे हैं, हवा बहुत अच्छी चल रही है और मज़ा आ रहा है। तो अगर आप गोवा आ रहे हैं तो एक बार बागा या कैलंगेट आके वहाँ की नाइट लाइफ जरूर एंजॉय। वैसे तो यहाँ ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है लासो लास। ये हमें इतना अच्छा लगा कि हम नेक्स्ट डे फिर से यहाँ डिनर करने के लिए गए। लासो लास में आपको बैठने और खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप कहीं भी बैठें और यहाँ के मेन्यू से कुछ भी ऑर्डर करें, आपको यहाँ आके बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप गोवा में खाने के लिए बेस्ट प्लेसेस जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। खाने पीने के अलावा बागा और कैलंगेट बीच पे ये नज़ारा भी बहुत कॉमन है। अब बारी है मेरे लिस्ट के नंबर 1 बीच की, यानी नॉर्थ गोवा का बेस्ट बीच, जो है वैगेटॉर। वैगेटॉर बीच बेस्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको वो सब मिलेगा जो आप एक अच्छे बीच से एक्सपेक्ट करते हैं। वैगेटॉर की लोकेशन काफ़ी अच्छी है, ये बागा कैलंगेट जैसी प्राइम लोकेशन से थोड़ा ही दूर है, लेकिन यहाँ कम क्राउड होता है और यहाँ का पानी भी आसपास के बीचेस से साफ है, मतलब इस एरिया में पानी में जाने के लिए ये बेस्ट बीच है। यहाँ आपको बागा कैलंगेट जितने ऑप्शंस तो नहीं मिलेंगे, बट हाँ यहाँ भी आपको अच्छा खाना आसानी से मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इस बीच पे थोड़ी रॉक फॉर्मेशन भी है, जहाँ आप अपनी इंस्टा स्टोरीज के लिए कुछ बहुत अच्छी पिक्स ले सकते हैं।
बात करें वाटर एक्टिविटीज़ की तो ये सब भी यहाँ आपको मिलेगा और वो भी बागा बीच से कम प्राइस पर। तो ओवरऑल वेगेटोर बीच नॉर्थ गोवा का बेस्ट बीच है। वेगेटोर पे अपना दिन का टाइम स्पेंड करने के बाद आप अपनी स्कूटी लेके कुछ ही मिनटों में बागा कैलिंगेट की नाइट लाइफ इंजॉय करने जा सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, खराब लगी तो डिसलाइक कीजिए और बताइए कि मैं इसे कैसे बेटर कर सकता हूँ। आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए ये फ्री है बट फॉर मी इट मीन्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। अलविदा।